कसम से शादी कर लो। ये तुमने, तुम्हारी फिक्र बोल रही है कुसुम के लिए, मेरी कुमुद ऐसा बोल ही नहीं सकती। देखो देखो मैं हूं ना, हम साथ में मिलकर कुसुम के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे जो हमेशा उसे खुश रखेगा। उसके लिए बहुत देर हो गई है सर, कुसुम बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो तो बिना खुश नहीं रहेगी। तुम होश में तो हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कुसुम तुम्हारी छोटी बहन है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। बस कोई असर नहीं बचा, कुसुम मेरी परछाई, मैं उसे कैसे मिटने दूं सर? अगर उसे कुछ हो गया तो जैसा मेरा एक हिस्सा कट के गिर जाएगा। तुम जानते हो बचपन में स्कूल से आते वक्त पूरा रास्ता मैं उसका हाथ नहीं छोड़ती थी, अभी मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। मैं जब तक उसकी जिंदगी संभाल नहीं देती मुझे उसका साथ देना होगा, किसी भी कीमत पर, उसका सिर्फ दिल ही नहीं, उसकी जान भी तुम मैं रखी। मेरी बहन को बचा दो सर, और खुद को, हम दोनों को कैसे बचा? हम नहीं है सरस, मैं और तुम, मुझे अपनी सारी जिंदगी किसी और के साथ जीनी है और तुम्हें अपनी किस्मत का फैसला हो चुका है, इसे मान लो। तुम मान पाओगे? अगर सवाल मेरी बहन का है तो मान लूंगी, मानना होगा। तुमने कहा था कि अगर कभी कुसुम और मैं मुसीबत में हो तो तुम कुसुम को सहारा दोगे, क्योंकि वो कमजोर है सर। आज वो वक्त आ चुका है। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। नहीं पढ़ोगे, बस तुम इतना समझ ले रखी कि तुम ये मेरे लिए कर रहे हो, तुम मुझसे मेरी सांसें मांग रही हो। अगर तुम मानते तो मैं दे देती। जवाब नहीं दिया सरस,
क्या मतलब बिजी है? आसुचे छोकरा, एक वीडियो देख के शादी तोड़ दी। कुसुम के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते तुम। और जो हमारी बेइज्जती हुई उसका क्या? हाँ देखो, मैं नहीं जानता कि वो वीडियो असली था या नकली, लेकिन जो भी खींचा तानी हुई उसके बाद शादी जैसा रिश्ता नहीं हो सकता। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम कुसुम से शादी कर लेते? बोलो। आंख बंद करके जा कुमार, क्यों दीदी उतारने दो ये सब, मुझे कोई हक नहीं है दुल्हन बनने का। मेरे मन में जो कुछ भी आया शायद उसे पाप ही कहते। आपने मुझे क्यों रोका, मुझे मर जाने देती? क्या कह रही है कुमारी? तो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी दीदी, वादा कर मुझसे किसी को नहीं बताएगी। मुझे कुसुम से अकेले में कुछ बात करनी है। कहने मत उतार कुसुम। क्या करूं दीदी इसे पहन के, करेगा मुझसे शादी? वही जिसे तू करना चाहती है। क्या मैंने ही कहा उससे? वो मान गए दीदी? मान जाएगा, वो बहुत अच्छा इंसान है और उसे तेरी बहुत फिक्र है। वो डैनी से भी तुमसे प्यार करती है। कुसुम से शादी कर लो, उसका सिर दिल भी नहीं, उसकी जान भी तुम्हें नहीं, मेरी बहन को बचा लो। और का होते हुए देखा था तो मौत मांग ली थी मैंने। पर मैं किसी और का हो जाऊं ये तो मुझसे भी बदतर है। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ को। मुक्ति बेन, हमेशा मेरी बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बस भाभी, ये नजारा देखने के लिए तुम इस घर में आई थी कुमार, भला उसे एमएमएस भेजने वाले का। बड़ी जल्दी मेरा बदला पूरा कर दिया उसने। विद्या भाई, मुझे आज्ञा दीजिए,
माता रानी ने चाहा तो जल्द आऊंगा ये शुभ कार्य कराने के लिए। रुकिए पंडित जी, विद्या भाई हमने जो सुना वो सच है क्या कि आपकी बेटी कुसुम की बारात दरवाजे से ही लौट गई? अब बुलाइए ना अपनी उस नकचड़ी बेटी को, अब क्या बोलेगी वो? मैं तो पहला ज कहूं तो कि वो अपनी बहनों को बिन ब्याही ही बिठा कर रखेगी पूरी जिंदगी। रत्ना बहन, तकलीफ में तो दुश्मन भी तसल्ली देते हैं और आपको ताना मारते हुए शर्म नहीं आती? लाज शर्म की बातें तो आप लोग मत ही कीजिए। अपने दामाद की प्रेमिका को अपने घर की बहू बनाकर बिठा रखा है अपने घर में। आप क्या जाने रत्ना बहन, ये सब कहकर आप मेरे भाव गिरा नहीं रही हैं, बल्कि चढ़ा रही हैं। मैं तो अपने रुपेश भाई की सोने जैसी बेटी दे रही थी आपकी कुसुम के बदले में, लेकिन आपका बेटा इस बेशरम छोकरी को उठा लाया। पर आपकी बेटी, उसका सिनेमा तो पूरा गांव देख रहा होगा, रंगीन सिनेमा। विद्या भाई आंसू मत गिराइए, मेरे रुपेश भाई का दिल एकदम मोम की तरह है, पिघल जाता है। वो तो अभी भी आपकी दाग लगी बेटी को ब्याह लेंगे। रत्ना बहन, अपने दामाद वाले तेवर हमें मत दिखाइए प्रमाद भाई। आपकी साली आपकी भी इज्जत है, जिसे इस वक्त लुटने से हम बचा सकते हैं। देखिए बस कीजिए।